अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आगामी 11 जुलाई को एक हाई लेवल की मीटिंग जेडीयू अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इसी मीटिंग को लेकर आज सिवान के IB में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें 11 जुलाई को होने वाली मीटिंग को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जेडीयू के कई सारे नेता इस मीटिंग में मौजूद रहे। वहीं जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद नजमुल हुदा ने 11 जुलाई को होने वाली मीटिंग को लेकर एक चर्चा किया। सुनिए, इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है। ये हम लोगों के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सिवान जिला के मीटिंग के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे अहमद जमाल साहब हैं, जो उत्तर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशानुसार 11 जुलाई को हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक मीटिंग होने वाली है। उसी संबंध में हम लोग यहाँ बैठे हैं और उसकी तैयारी की जो है चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कैसे इसको तैयारी किया जाए और उसी को लेके। और इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो ये है कि नीतीश, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो भी काम किया है और अल्पसंख्यक समुदाय में थोड़ी सी एक बेचैनी है, उसको कैसे दूर किया जाए और अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर जो विश्वास, एक विश्वास की कमी है थोड़ी सरकार को लेके या पार्टी को लेके या माननीय मुख्यमंत्री को लेके, उसको दूर किया जाए। इसलिए कि अब तक इन 15 सालों में माननीय मुख्यमंत्री ने जितने भी लाभकारी योजनाएं अल्पसंख्यक के लिए चलाई हैं वो अपने में एक मिसाल है। ऐसा 70 सालों में कभी ना हुआ ना होगा, हम लोग ये कह सकते हैं दावे के साथ। लेकिन दिक्कत क्या है, कमी क्या है कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो इससे जागरूक नहीं है, उनको इसके बारे में पता नहीं है या कहीं ना कहीं विभागीय कमजोरी की वजह से उन तक ये लाभ ना पहुंच पाया या इन योजनाओं के बारे में उस विभाग ने हमारे लोगों से, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जो, उनसे चर्चा नहीं किया, उनको बताया नहीं। तो हम लोगों का जो मेन एजेंडा है, इस मीटिंग का जो एजेंडा है कि कैसे हम तैयारी करें ताकि जो 11 जुलाई को जो हमारी मीटिंग सभा होने वाली है, जिसमें हमारे प्रदेश से पदाधिकारी आएंगे और सबसे ज्यादा यह है कि हमारे जो नए अध्यक्ष उत्तर बिहार के अहमद जमाल साहब हुए हैं वो हमारे यहाँ अभी जा रहे हैं। RCP बाबू जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका प्रतिनिधि होगा। तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अपने सारे लोगों को बुलाया है, जिसमें हमारे गनी साहब भी हमारे हैं, जफर गनी साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे इकराम खान साहब हैं, हमारे वकील मुसाक साहब भी हैं, मतीन भाई भी हैं, हमारे जो है पूर्व जिला अध्यक्ष जो हैं अनवर सिवानी हैं, इसमें हमारे हामिद खान साहब हैं। ये सारे लोग हम लोग मिल के ये बैठ के ये बात कर रहे हैं ताकि 11 जुलाई को जो हमारी सभा होने वाली है वो कैसे एक मिसाल हो, ऐतिहासिक हो और उसमें क्या क्या एजेंडा होगा। तो मुख्य एजेंडा जैसे हमने आपको बता दिया कि मुख्य एजेंडा उसका यही है कि अल्पसंख्यक जो संगठन है हमारा सीमांत जिला का वो मजबूत हो, अपनी पहचान बनाए और हम सब मिलजुल के इस संगठन को मजबूत बनाए, जिला में एक अपनी पहचान बना कायम करें और मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए गए जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचा के उनको जागरूक किया जाए और उसका लाभ मिले। मैं सैयद नजमुल हुदा, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जदयू, सह सदस्य राज्य कार्यकारिणी जदयू।